हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में SBI कार्ड ऐप के बारे में बताने वाले हैं। SBI कार्ड ऐप में एक नया अपडेट आ गया है, जिसके बाद SBI कार्ड ऐप का इंटरफेस पूरा चेंज हो गया है। दोस्तों, SBI कार्ड ऐप को कैसे यूज करना है नया अपडेट आने के बाद, आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप SBI का कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो दोस्तों आपको SBI कार्ड ऐप को जरूर यूज करना चाहिए। SBI कार्ड ऐप का यूज करके आप जो है अपना SBI क्रेडिट कार्ड को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि दोस्तों SBI कार्ड ऐप को कैसे यूज करेंगे, SBI कार्ड ऐप में नया जो अपडेट आया उसके बाद से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको जो है SBI कार्ड ऐप को ओपन कर लेना है। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो SBI कार्ड ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपका पहले से रजिस्टर होगा, यहाँ पर दोस्तों आपको लॉग इन कर लेना है अपना MPIN डाल करके। अगर आप फर्स्ट टाइम इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो SBI कार्ड ऐप में कैसे रजिस्टर करते हैं, मैंने एक डिटेल्स में वीडियो बनाया, उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर SBI कार्ड ऐप को ओपन कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो भी SBI क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर दोस्तों उसका टोटल लिमिट शो करेगा, कितना लिमिट आपको मिला है। जैसे हमारा SBI जो क्रेडिट कार्ड है उसका 40,000 का लिमिट है, और यहाँ पर देख पाएंगे अभी आपका क्रेडिट लिमिट कितना अवेलेबल है यहाँ पे शो करेगा। अगर आपके पास एक से ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो दोस्तों यहाँ पर आप इधर से साइड स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा क्रेडिट कार्ड शो कर जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं आपका SBI क्रेडिट कार्ड का कब बिल जेनरेट होता है, बिल डेट यहाँ पर आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमारा 13 तारीख लिखा हुआ है तो हमारा जो बिल है हर महीने 13 तारीख को जेनरेट होता है, आपका जो भी डेट होगा यहाँ पर शो कर जाएगा। अब दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड का जो भी आपका बिल जेनरेट होता है टोटल अमाउंट ड्यू यहाँ पर शो करेगा, मिनिमम अमाउंट ड्यू यहाँ पर शो करेगा। दोस्तों कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड का बिल जो है टोटल अमाउंट ड्यू पेमेंट करना है, यानी फुल पेमेंट करना है, मिनिमम आपको पेमेंट नहीं करना चाहिए, नहीं तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है इंटरेस्ट वगैरह देना पड़ेगा, पेनल्टी वगैरह देना पड़ता है। यहाँ पर देख सकते हैं पे इन EMI का ऑप्शन है, जहाँ से दोस्तों आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है पे नाउ का, यहाँ से दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ड्यू डेट शो करेगा, जो कि हर महीने हमारा 3 तारीख होता है, आपका दोस्तों जो भी डेट लिखा होगा उसी डेट को आपका हर महीने ड्यू डेट होता है। जो यहाँ पर आपका बिल जेनरेट होता है उस बिल को दोस्तों आपको जो है ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना है, ताकि आपका कोई भी पेनल्टी चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। दोस्तों SBI क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट कैसे करते हैं डिटेल्स में वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे रिसेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पर आपको शो करेगा, थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो जो भी आपका क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट होगा यहाँ पर आपको शो करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, प्रोफाइल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स का, एड्रेस डिटेल्स का, अपडेट इंटरनेशनल नंबर, अपडेट ट्रेवल प्लान, क्रेडिट स्कोर। यहाँ से दोस्तों आप अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा व्यू अकाउंट डिटेल्स का, तो आपको व्यू अकाउंट डिटेल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कार्ड स्टेटमेंट का ऑप्शन मिलेगा, कार्ड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू स्टेटमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपका SBI क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट जनरेट होता है यहाँ पर आपको शो कर जाता है कि आपका कौन कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ है। अगर आपका EMI वगैरह होगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अनबिल्ड ट्रांजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड का अनबिल्ड ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो डेबिट का ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर एड ऑन कार्ड डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आपने एड ऑन कार्ड ले रखा है तो दोस्तों यहाँ पर उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट समरी आ जाएगा, जहाँ से आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है रिक्वेस्ट डुप्लीकेट स्टेटमेंट का, जहाँ से आप डुप्लीकेट स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है स्पेंड एनालाइजर का, जो आपने SBI क्रेडिट कार्ड का यूज किया है, कहाँ कहाँ पर यूज किया है उसको दोस्तों यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है KYC रिन्यूअल का, जहाँ से दोस्तों आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड का KYC को रिन्यू कर सकते हैं। जिसे यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा SBI क्रेडिट कार्ड का KYC जो है ड्यू दिखा रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमें जो है रिन्यू करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको EMI एंड मोर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको फ्लेक्सी पे शो करेगा, अगर आप बैलेंस ट्रांसफर के लिए एलिजिबल होंगे यहाँ पर आपको बैलेंस ट्रांसफर शो करेगा, या फिर कोई अदर ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई दूसरा ऑफर भी शो करेगा, जैसे लिमिट इंक्रीज वगैरह का ऑफर होगा तो यहाँ पर दोस्तों शो करेगा, जहाँ से आप लिमिट इंक्रीज कर सकते हैं। वैसे SBI क्रेडिट कार्ड का लिमिट कैसे इंक्रीज
सीरीज करते हैं, मैंने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है पे का, तो आपको पे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको चार ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन मिल जाता है SBI कार्ड पे का, जिसका यूज करके दोस्तों आप ये पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है स्कैन एंड पे का, इसके ऊपर क्लिक करके। फिर दोस्तों यहाँ पर आप भारत QR कोड को स्कैन करके SBI क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है पे इन EMI का, जहाँ से दोस्तों आप EMI में पेमेंट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन मिल जाता है बिल पे एंड रिचार्ज का, जहाँ से दोस्तों आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा सर्विसेस का, सर्विसेस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों सर्विसेस में आपको कई सारे ऑप्शन मिलेगा। पहला ऑप्शन मिलेगा चेंज कार्ड पिन, दोस्तों जहाँ से आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड का पिन को चेंज कर सकते हैं, नया पिन जनरेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन मिल जाता है मैनेज कार्ड यूजेज का, जहाँ से दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन मिल जाता है रिकरिंग ट्रांजेक्शन के लिए। चौथा ऑप्शन मिलेगा कार्ड रीइशू रिप्लेसमेंट का, अगर आपका क्रेडिट कार्ड खो गया या फिर खराब हो गया तो दोस्तों यहाँ से आप जो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ब्लॉक कार्ड का, जहाँ से आप अपना क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद छठा ऑप्शन मिलेगा कार्ड क्लोजर रिक्वेस्ट का, जहाँ से दोस्तों आप जो अपना SBI क्रेडिट कार्ड को क्लोज करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सर्विसेस रिक्वेस्ट में आपको तीन ऑप्शन मिल जाता है। डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन का, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, आपके क्रेडिट कार्ड से जो है पैसे कट हो गया लेकिन वहाँ पर पेमेंट नहीं गया, उस केस में आप जो डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन का, जो आप यहाँ पर डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन करते हैं उसी ट्रांजेक्शन को दोस्तों यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ट्रैक सर्विस रिक्वेस्ट का, यहाँ से दोस्तों आप सर्विस रिक्वेस्ट को ट्रैक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको और ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे क्रेडिट बैलेंस रिफंड का। दोस्तों अगर आपका SBI क्रेडिट कार्ड में एक्स्ट्रा पेमेंट हो गया है, जैसे अगर आपका क्रेडिट कार्ड का लिमिट 50,000 है और दोस्तों अगर आपने 5,000 एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है, तो दोस्तों उस केस में जो आपका एक्स्ट्रा पेमेंट हुआ है लिमिट से ज्यादा हो गया है, उस पैसे को आप जो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं क्रेडिट बैलेंस रिफंड के थ्रू, जिसके लिए दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया कि कैसे आप SBI क्रेडिट कार्ड का बैलेंस को रिफंड कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में अगर आपने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन मिल जाता है फी एंड चार्जेज का, जहाँ से दोस्तों आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड का फीस एंड चार्जेज चेक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है ई स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन का, जो आपके रजिस्टर मेल आईडी पर स्टेटमेंट आता है, अगर आप उस ईमेल आईडी को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर IVR OTP का ऑप्शन मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है मोर का, तो आपको मोर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आपको रिवार्ड्स का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से दोस्तों आप अपना क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट को चेक कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों आप अपना SBI क्रेडिट कार्ड का रिवार्ड पॉइंट को रिडीम भी कर सकते हैं, रिडीम वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है बेनिफिट्स का, जहाँ से आप बेनिफिट्स चेक कर सकते हैं। उसके बाद ई स्टोर का ऑप्शन मिल जाता है, फिर इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाता है, फिर यहाँ पर व्हाट्सएप कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि SBI कार्ड ऐप को कैसे यूज करते हैं। SBI कार्ड ऐप में नया अपडेट आने के बाद एक एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।